इश्यू साहब यार दीदा ये केक मैं नहीं खाऊंगी। मजे का ऑमलेट, मजे का पराठा और गंदा केक। नहीं नहीं बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। विजय जी बता, ये हमारा मिशन सक्सेसफुल हुआ। हमारा नहीं मेरा। अम्मी गुस्सा ना चलाओ, सारा किचन खराब कर दिया। फिर अभी मैंने सफाई की है। ये राबिया के गांव है सारे। Assalamualaikum everyone, this is me Hira Faisal and welcome to my YouTube channel. आज जैसा कि आपको पता है कि सर्दियाँ आ चुकी हैं, बहुत ज़्यादा ठंड आ चुकी है, सबको गले ख़राब, बुखार, everything चढ़ चुका है। तो भाई अभी मैं सो के उठी हूँ तो भाई मेरे मामा से ब्रेकफास्ट के कहना है और आज मैं वही डायलॉग कहूँगी जो पहले आपकी कहती थी। तो हम कहेंगे आज मामा को जाकर, मम्मी नाश्ता। मेरी अम्मा किचन में खड़ी होकर ब्रेकफास्ट बना रही हैं, सो चलते हैं देखते हैं क्या बना रही हैं और बाकी की चीज़ें आपको साथ साथ दिखाती हूँ। जी मम्मी अंडा दे दो, अंडा अंडा इतने ज्यादा अंडे तो पड़े हुए, क्या हो गया है मुझे? अंडे सामने पड़े के लिए अंडा दे दो अंडा। चलो खैर, आज मैं आपसे कहने लगी हूँ मम्मी नाश्ता दे दे जल्दी। ओए क्या बना कह रही हैं आप? ऐसे मम्मी नाश्ता करते करते ही रागी भी बारी आ जानी है। नाश्ता करने की ना सही नहीं, नाश्ता करने की ना सही कह रही है। तो भाई आज मेरे अब्बा की भी तबीयत खराब है, नज़ैना की भी तबीयत खराब है। अब्बा की तबीयत जो खराब है वो यहाँ पे बैठे हुए हैवी फ्लू लेके, तो टिप देना चाहते हैं लोगों को भाई इस चीज से परहेज करें। मेरा बुखार हुआ तो पापा कहते मुझे ठंड लगी, आगे से कहते नहीं खाना खाती। मैंने कहा अब खुद का हुआ, अब बताए ना खाने, अब बताए ना जरा अब क्या हुआ है? नहीं आप कहे मुझे, हो सकता है मैं अब हूँ खाया तो इसीलिए पापा को बुखार हो गया और पापा को कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकता क्योंकि वो पापा है अंदर। ज़ैनब सॉरी। और आज हम लोग, मैं आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट करने लगी, आज हम इस अच्छे वाले मौसम में क्या खाएंगे? बिरयानी, गर्मा गर्म बिरयानी आज बनेगी। पापा आप बनाएंगे आज बिरयानी? नहीं मेरी तबीयत नहीं। खाएंगे लेकिन ठीक है, पापा बिरयानी खा लेंगे, बनाएंगे लेकिन। बिरयानी खाओगी? नहीं खाऊंगी, मैंने तो रेसिपीज देखी थी ख्वाब में। रेसिपीज ख्वाब में देखी थी राबिया ने, ठीक है। मम्मा सुबह अंडा ही खिला। मम्मा आप बिरयानी आज बना के खिलाएंगी कि नहीं खिलाएंगी? हीरा बनाएगी आज। आपको पता है मैंने ना आपी का एक ब्लॉग देखा, उसमें आपी इतनी गरम गरम बिरयानी खा रही, मैं उस टाइम मम्मा जी मैंने भी बिरयानी खानी है। कभी कभी क्रेविंग हो जाती है आपको कि भाई आज खानी है खानी। क्या 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 बिरयानी हो रही थी, उधर ब्लॉग में कहती वो अच्छी बिरयानी बनाती है। तो मैंने कहा मेरी उम्र आधी गुजर गई, तुम्हें बिरयानियाँ खिला खिला के आज तक तारीफ नहीं की उसने मेरी बिरयानी। हम खा के तारीफ करेंगे, अच्छी करेंगे ना, इतना नहीं करनी। मम्मा मेरी बिरयानी हमेशा अच्छी है, मैं भी इकरा की तरह रियल बात करती हूँ। ठीक है तो भाई मम्मा का ये अंडा जो है काफी हद तक अंडे की मैंने क्या टाइम पे नहीं लिया आपके टाइम पे आप। नहीं कोई बात नहीं, आपको बाद में बता देंगे। आज इसने मीठा बनाना है गाइस, क्या बनाओगी? बस बना रही, मुझे लगा अंदर पता नहीं क्या रख के गई है, खाली कप था। बना रही हूँ ना, देखती जाओ गाइस। इस एस्ट्रोलॉजी के घर में ना कभी भी कुछ भी हो सकता है, इट्स वेरी अनएक्सपेक्टेड हाउस, कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। सो बिरयानी बनाऊंगी, उसकी रेसिपी थोड़ी बहुत शेयर कर दूंगी आपसे। अभी खाना शाना खाते हैं और बाकी की चीज़ें इसके जो टिश्यू साफ यार ये केक मैं नहीं खाऊंगी। गीला था ना तो पानी साफ कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने इसके अंदर क्या डालना था राइस? मम्मा जी हाउस में राबिया की बोंगियों का टाइम हुआ चाहता है क्या? नाश्ता कर लो, नहीं है चीनी कौन सी पिसी हुई होती है? तो ये डाल के पिघला लो पिसी हुई चीनी। अच्छा जी, तो ये राबिया इस टाइम बना रही है केक। यार क्या है यार, केक का मेन इंग्रेडिएंट है चीनी। किसके अंदर? कप में अब हम ऐड करेंगे थोड़ा। अम्मा को आटा पकड़ाओ जाके। चलो जी देख लो, वहाँ मेरी अम्मा नाश्ता बना रही है। चीनी के लिए देसी घी, ठीक है।
चीनी और देसी घी को मिक्स कर रही है क्या? बटर भी ऐड कर सकते हैं, हमने बटर की जगह ये ऐड किया। आप बटर भी ऐड कर सकते हैं लेकिन इसने इसको कुछ और नहीं मिला, तो ये देसी मोम की देसी बेटी से देसी घी डाल दी। अच्छा, अब हमें कोका पाउडर नहीं है हमारे पास। पापा जी रावे को समझा ले, इसने अभी नाश्ता नहीं किया और कोका पाउडर ढूंढ के पता नहीं क्या घर में गंद बना रहा है। आप सबके लिए मीठा बना रही हूं पापा, ये इसकी यही काम है, इसको कोका पाउडर यूज कर रही हूं। सीरियसली राबिया, तभी ये वाला कोका पाउडर ऐसे, इसको कोका पाउडर यूज कर। राबिया कोका पाउडर डिफरेंट होता है, मैदा नहीं है, मतलब कोका पाउडर यही होता है। मैदा नहीं है, अब मैदा नहीं है, मैदा नहीं है, नहीं मम्मा। मजे का ऑमलेट, मजे का पराठा और गंदा केक। नहीं नहीं बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये क्या राबिया, ऐसे लग रहा है मैं कहीं से किसी ना जगह की मिट्टी उठा के लाई। नहीं यार आपको नहीं पता। अच्छा हमारे पास वेनिला एसेंस है, ये अब समझ आई, ये सारा फ्लेक्स क्यों झाड़े है, क्योंकि इतने ना गरीबों ने वेनिला एसेंस खरीद ली है तो अब सिर्फ उसके उसके कारण इसने पूरा केक बनाया कि वेनिला एसेंस की दे रहा है। इधर पड़ी है, कहाँ पड़ी? इसमें बेकिंग सोडा भी है। नहीं वो नहीं है, सेंस डाला हमने एक ड्रॉप, सिर्फ एक ड्रॉप, दो नहीं, नहीं मुझे क्या पता, बना तुम रही हो, दो नहीं मुझे क्या पता, खुद बनाओ बस दो ड्रॉप्स। अब भूखने से मजे की खुशबू अब आ रहा शुरू हुई है वेनिला एसेंस डालने के बाद। अभी देखना कितना मजे का केक बनता है, अब का प्राउड मोमेंट है इस टाइम, है ना। लेकिन तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारा देसी घी खाऊंगी तो सोचे तुम्हारी जी मम्मा। चले पापा को नाश्ता देने का टाइम हो गया। ये है देसी, देसी तरीका पराठे के ऊपर अंडा रखने का। यार पराठे पे डाल, यस डाल खंड अपना ही। यस पापा अपना नाश्ता कर रहे हैं और ये मैदा सेंस डाल के अब इसमें डाल देना, मैदा मैदा डाल रही है। मेक श्योर ये साफ हो, मेक श्योर ये साफ हो, क्योंकि इसको मेक श्योर नहीं है कि ये साफ है कि नहीं है। एवरीडे पड़े, एवरीडे निकालो वहां से, ऐसे कहते हैं प्लीज एवरीडे निकालिए, कहें फिर काम होगा। एवरीडे निकालिए, आई लाइक दैट। So, और देखो क्या निकालूं, मुझे खुद नहीं पता आई किधर गया। मां हमारे पास एवरीडे था, वो कहां गया? ओके गाइस सो दिस इज माय यम्मी नाश्ता प्लेट। मैं नाश्ता करती हूं फिर आपको आगे दिखाती हूं कि आगे क्या होने वाला है। तो भाई इतना ज्यादा गंद मचाने के बाद ना ये हमारा रेडी हो गया। ये औरत ने इसमें क्या किया, इसमें क्या क्या डाला अभी? इसके बाद मैंने दूध डाला, चॉकलेट डाली है और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डाला और बेकिंग सोडा डाला है। और अब इसको हम क्या करने लगे हैं, इसको हम ओवन में रखने लगे हैं फॉर 90 सेकंड्स। रखो और उसको रखने के बाद ये साफ करोगी तुम। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है आज के धमाका धमाका होने लगा घर में है? यार मुझे डर है, मुझे नहीं पता क्या होगा। What is this behavior, रबिया? कानों में उंगलियां दे लो, सिर्फ आपकी जिंदगी के 1.5 मिनट बाकी है। 1, 2 देसी घी से। हाँ कभी इसमें तुमने पाई गर्म नहीं किए, वो हलवा गर्म नहीं किया, कुछ नहीं होता, मजाक। मुझे नहीं पता अगर फूला हुआ निकला मैं तो इसकी राबिया का फेवरेट केक निकाला करूंगी फिर। और फिर राबिया ना अपना केक, अपने नाम से केक लॉन्च करूंगी। अच्छा राबियास फेरी केक, फिर वो तो कहेंगे वो केक, वो कहेंगे हमने केक नहीं, हमें तो राबिया का नोज लेना, ऊपर मेरा नोज की मोजी बता दूंगी राबिया फेरी केक। लोगो होगा, लोगो का नोज एक दो रोक के देख ले, देखो फूल रहा है, फूल रहा है, फूल रहा है, फूल रहा है, राबिया फूल रहा है। हमारा मिशन सक्सेसफुल हुआ, हमारा नहीं मेरा, हमारा मिशन सक्सेसफुल हुआ। मुझे ये लगा मैंने वो ना मेरा गाइस मेरा हमारा बड़ी बहन सपोर्ट ना करती तो कैसे पता। हमारा मिशन बम फट जाए, पता चले हमारा सबसे हीरा ने कहा है बम फट जाए, ऐसे फूल ना ऐसे, फिर हम केक खाएंगे साथ। ये चॉकलेट ब्राउन ब्राउन सा निकलेगा, ये व्हाइट कलर है, वैनिला कोका पाउडर नहीं था, कोका पाउडर नहीं था, ऐसे फ्लेवर नहीं था। राबिया ये भी फुली कुक नहीं है, देख ले तो दो यार क्या हुआ। नहीं ये कुक नहीं है, कुछ हुआ है इसको, दिखाओ 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 दिखाओ। अरे ये फुली कुक नहीं है राबिया, ये भी फुली कुक नहीं है, इसको रखो अंदर, इसको पानी खुश्क नहीं हुआ अंदर अभी, पानी खुश्क नहीं करता है, पानी और डालता है। तो मम्मी ये कैसी खुशबू आ रही है आपको केक की? मम्मी सारा चिराओ, सारा किचन खराब कर दी है, फिर अभी मैंने सफाई की है। ये राबिया के गांव है सारे, सारा गंद इसने डाला और केक भी फीका, केक बना भी सही नहीं है। तो जो कह रही थी ना गाइस मेरी और हीरा पी की नहीं इसकी अकेली की थी, तो गाइस ये इसी की अकेली की थी। ये पता है क्या बना है राबिया, ये वो जो नान हलवा नहीं होता उसके साथ पूरी के साथ हलवा मिलता है। तो गाइस आज मीठा मैं बनाऊंगी, राबिया यही खाएगी। राबिया पक गया, कच्चा है, कच्चा है, वही मैं कह रही हूँ। इसमें अंडा भी डालते हैं, अंडा एग वाइट, अंडा जाया था
उसने देसी घी जाया कर दिया। अबे क्या बना है? सही है थोड़ा जिसको तुम देती ना हीट नहीं दी स्टीम से इसको सही करे आले जल बना सही है ना ऊपर से ढक दो। ओके गाइस, तो मैं ना आपको टेस्ट करके ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ कि ये बना ठीक नहीं है या सिर्फ लग रहा है। तो भाई लेट्स सी, तो ये इतना चिड़चिड़ा है जैसे मैं ना कोई वो स्लाइम खा रही हूँ। नॉट बैड, अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा। ओके गाइस, तो यहाँ पे ये मैडम बैठी हुई एडिटिंग कर रही है फुल रेडी होके। फातिमा, तो मैं आज राबा की डिश खिलानी है। मजे की इतना यमी उसने केक बनाया है ना कि क्या बताऊं। सॉरी रा, सर्दियों में वैसे भी पेट बहुत खराब होता है, मैं रिस्क नहीं ले सकती। खा के देख तो लो। राबा हमेशा इतनी गंदी डिश बनाती है ना, मैं तुम्हें अपने लफ्जों में नहीं बता सकती। वो पता है क्या बना है? चीपड़ा आटा। तो मुझे टेस्ट करने का कह रही है। कोई बात नहीं, सेल्फिश हुआ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके गाइस, तो मुझे अभी भी पार्सल रिसीव हुआ है, इतने ज़्यादा शूज़ मैं आपको दिखाती हूँ अभी। और यहाँ पे मेरी अम्मा ने सबसे पहले कब्जा जमा लिया कि ये हील तो बेटा मेरी है। जूती मुझे ऐसी जूती पूरी मार्केट में नहीं मिली, लेकिन आज मिल गई देखो। चले कोई बात नहीं, ये वाली हील आप मेरी तरफ से ले लें, प्यारी भी और आपके पाँव में परफेक्टली फिट आई है। वाओ, ठीक है, डन मेरी तरफ से। तो बाकी आपको अपनी हील की हल्की फुल्की कलेक्शन दिखा देती हूँ। वैसे तो पूरा टूर बाद में कराऊंगी। ऐसे होनी है, ऐसे ही होनी है जैसे आपने की है। नहीं हो रही है, देखिए। रुक जाए, मैं करके दिखाती हूँ। ये क्या कॉम्बो है? ऊपर से नीचे, नीचे से डाकू लग रहा है एक साइड से। मैंने परसों ज्वेलर जाना तो मैं ना ये पहन लेती हूँ, ठीक है? बहुत अच्छे से। यू नीड माय परमिशन। सबसे प्यारी हील ये है जो मम्मा पहन रही है। नहीं, हील थोड़ी और ये मैं पहन नहीं सकती क्योंकि इस तरह की हील मेरी जो बहन है ये प्यारी। तो भाई अपडेट ये थी कि मैंने बनानी थी बिरयानी और बाहर बहुत ठंड है, अब्बा की तबीयत ख़राब है, तो इस टाइम कोई भी नहीं बाहर चिकन लेने जा रहा। तो अभी की जो हमने बिरयानी का जो मैंने ख्याल है वो भी ड्रॉप कर दिया। तो हमें बिरयानी की जगह क्या खिलाओगी? फिश? मैंने नहीं खिलाना, खिलाना आपने, मम्मी की जिम्मेदारी होती है जी। मेरा मुंडन लंबा होता जा रहा है। तुम भी लंबी होती जा रही हो बेटा। कट में ही रहना है जी, नहीं, तुम वुल्फ कट में ही रहो, बल्कि अच्छी बात है, ज़्यादा लंबा हो गया है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्या लंबे में भी वुल्फ कट होता है ना? ऐसे ही अच्छा लग रहा है, जो मर्जी चाह रही हो। मैं कह रही हूँ ये वाले मेरे बाल लंबे होते हैं जिससे मेरी वुल्फ कट की शेप खत्म हो रही है। और कटिंग वाले बाल, अगली कटिंग डाल देना कि मैं करूं। लोगों के नीचे कमेंट आ रहे कि अपने लंबे बाल ना करो, वुल्फ कट भी अच्छे लगते हैं इनसे। गए गाइस, ये मुझे लंबे बालों में ज्यादा अच्छी लगती है, अभी जिस तरह किसके बाल हो रहे हैं वो ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन वुल्फ कट भी प्यारा है, मुझे वुल्फ कट। ओके गाइस, तो मैंने अपने लिए नूडल्स बना ली हैं। ये खुशबू बहुत जबरदस्त आ रही है आज से। वो मैंने नूडल्स बनाई हैं स्पाइसी वाली, मुझे भी थोड़ी सी देर ताकि मेरा भी जरा गला शरा ठीक हो जाए। आपके लिए चिकन वाली बनाती हूं। हां, चिकन वाली अच्छी से मुझे बना के दो ताकि मेरा गला और जिस्म को बहुत बहुत हाँ बहुत ज्यादा फोक है, तो मैं आपके लिए नूडल्स बना। एक मिनट, मुझे नूडल्स खाने से मना करते हैं कि सारे नूडल्स खाती है, खुद नूडल्स खा रहे हैं। मुझे कहते नूडल नहीं, मेरी उस दिन पापा ने बनी बनाई नूडल्स खा के नहीं खानी और सालन रोटी खाओ। आप खाए ना रोटी? क्यों? मैं कहती मैं कहती निकलना, हाँ 5 मिनट में मैं बैठ गया हूँ, टाइम हुआ था 9:15 बाप को बताती है कब उठना है। अच्छा, आप इसे उठाने आ रही थी? मैं बाकी बाकी पापा को उठाने आ रही थी। चलो पापा के लिए नूडल्स बनाते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पापा के सूपी नूडल्स भी रेडी हो चुकी हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे बाहर कुछ शूट चल रहा है। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे बैठ के? पकड़े गए हो? अंधेरा किया हुआ है, मुझे लगा कोई मूवी शूवी देख रहे हैं, बट नहीं, दोनों बैठ के ना स्टोरीज बना रही हैं, वीडियोस बना रही हैं। दैट्स वॉच अ गुड मूवी। गुड मूवी, मेरे पास मूवी देखने का भी टाइम नहीं है, मुझसे पूछो। मैम ऑटोग्राफ नहीं चाहिए? अरे मुझे चाहिए था, नहीं चाहिए अब, नहीं चाहिए अब, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, निकलो निकलो। ओके गाइस, तो वीडियो को अभी यहीं पे खत्म करने का टाइम हो रहा है। और इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर, प्लस डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। आई विल बी राइट बैक विद अनदर वीडियो।